तो भाई ये है कैल्शियम कार्बेट, जिसको हम पानी के साथ अगर मिक्स करते हैं तो पानी के साथ रिएक्ट करके ये एसिटिलीन गैस प्रदान करती है, यानी कि एसिटिलीन गैस जो कि फ्लेमेबल होती है। और ये वेल्डिंग वगैरह में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, जहां पर गैस वेल्डिंग होता है वहीं पर इसी एसिटिलीन, इससे बनाई हुई एसिटिलीन गैस का यूज होता है। और क्या होगा अगर हम पानी के साथ साथ इस चीज को पेट्रोल के अंदर डाल दें, कैसा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा और क्या कुछ जो रिएक्शन है वो होंगे, तो इस वीडियो में यही चीज ट्राई करके देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे पास है दो कांच के गिलास, जिसके अंदर हम पहले वाले के अंदर डाल देते हैं पेट्रोल को, दोनों साथ एक साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे। तो मैं इसके अंदर लगभग इतना पेट्रोल डाल देता हूँ, और दूसरे के अंदर डालते हैं पानी को। ये नॉर्मल वाला पानी ही है और वो नॉर्मल वाला पेट्रोल है, और हम दो छोटे छोटे स्टोन लेते हैं कैल्शियम कार्बेट, ठीक है। तो मैं जो छोटे वाला है वो पेट्रोल के अंदर डाल के देखता हूँ, और बड़े वाले को पानी के अंदर डाल देते हैं। तो भाई यहाँ पर पानी के साथ इसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, पर पेट्रोल के साथ कोई रिएक्शन इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल के साथ इसके अंदर कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कैल्शियम कार्बेट पेट्रोल के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती है। और मैं बात करूँ इसकी गैस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसिटिलीन गैस इसके अंदर से निकलने लगी है, मुझे इसकी जो गंध है वो आ रही है, मैं इसको जलाकर भी दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं जो एसिटिलीन गैस है वो बन पा रही है अभी, और एकदम से उड़ी जा रही है, वो कुछ देर के लिए ठहर रही है क्योंकि जो ग्लास है वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा चूड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेज उसकी आवाज़ है, वो भी कितनी ज़्यादा तेज आती है, कैसे फटाके से जल रहे हैं। तो यही होता है यार इसके साथ, तो बाकी पेट्रोल के साथ हमें यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। और अगर हम पेट्रोल के अंदर आ जाए तो नॉर्मली जो आग है पेट्रोल के अंदर बड़ी आसानी से जल जाएगी। और ऑक्सीजन का संपर्क काटते ही आग बड़ी आसानी से बुझ जाएगी, ठीक है। बाकी जो पानी है उसी के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जो गैस ज्यादा इकट्ठी हो चुकी थी, और जो आपने देखा जो उसका साउंड है वो काफी तेज है यार। तो आज की वीडियो में यही था यार, वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेगी, और आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, या फिर आप हमें कुछ सजेशन में बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यार, ठीक है। हो सके तो हम उस चीज को ट्राई करके देखेंगे, और फिर मिलेंगे कुछ नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।